बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आयकर आपका जो पेपर है उसमें यूनिट नंबर थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन के आज जो मैं आपके साथ प्रोविज़न डिस्कस करूंगी है वो सेक्शन 30-37 और साथ ही साथ सेक्शन 10 के जो सम प्रोविजंस हैं वो बतलाऊंगी। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 10। पहले भी मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इंडियन लैंड से जो होती है वो पूरी तरह मुक्त है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त है। कलाकारों को कुछ विशेष प्रकार के पुरस्कारों की राशि कर मुक्त होती है। साझेदार द्वारा फर्म के लाभों में से प्राप्त हिस्सा पूर्णतः कर मुक्त है। सदस्य द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार के लाभों में से प्राप्त हिस्सा कर मुक्त होता है। अवकाश वर्षों में आय कर से मुक्ति। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन इंडिया सर्टेन अवार्ड्स टू आर्टिस्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्योंकि जब फर्म और HUF पढ़ेंगे ना यूनिट नंबर 5th में तो हर यूनिट आपस में इंटरकनेक्टेड है। नो टैक्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडेज। अब हम बात करते हैं सेक्शन 32-36 आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्टतः स्वीकृत व्यय पूंजीगत व्ययों की किश्तों में कटौती अनुसंधान व्यय तथा दान और बाहरी संस्थाओं को अनुसंधान हेतु दान की कटौती। भवन का किराया कर दर बीमा एवं मरम्मत व्यय स्वीकृत है स्पष्टतः। प्लांट मशीन एवं फर्नीचर की मरम्मत व बीमा व्यय मशीन भवन फर्नीचर एवं अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास चाय रबड़ एवं कॉफ़ी बोर्ड में जमा राशि अथवा यह छूट घटाने से पूर्व लाभ का 40% दोनों में से जो भी कम हो विच एवर इज लोअर। सामग्री एवं माल का बीमा प्रीमियम सहकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम मृत या अयोग्य पशुओं से हानि ब्याज स्वयं की पूंजी पर ब्याज की छूट केवल फर्म को मिलेगी। अशोध्य ऋण या डूबत ऋण से हानि बैंक नकद लेन देन कर प्रतिभूति लेन देन कर और वस्तु लेन देन कर यह स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। जब हम बात करते हैं पूंजीगत व्ययों की किश्तों में कटौती पूंजीगत व्ययों में जो किश्तों की कटौती मिलती है तो उसके अंतर्गत देखें स्टूडेंट जो हमारा आता है उसमें वो ध्यान से देखना आप लोग। जब हम पूंजीगत व्ययों में जो कटौती की बात करेंगे तो पूंजीगत व्ययों के अंतर्गत प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती 5 वर्ष किश्तों में दूरसंचार सेवा हेतु प्राप्त अधिकारों की उतने वर्षों में कटौती मिलेगी जितने वर्ष के लिए अधिकार मिले हैं। खनिजों की खोज पर व्ययों की 10 किश्तों में कटौती मिलेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु भुगतान की 5 किश्तों में कटौती मिलती है। अनुसंधान व्यय तथा दान पूंजीगत व्ययों के लिए कटौती तो स्वयं के व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सभी आयगत एवं पूंजीगत व्ययों भूमि के अतिरिक्त की कटौती मिलेगी। पूंजीगत व्ययों की भारित कटौती कृषि विस्तार योजना में 150% विशिष्ट व्यवसाय हेतु 100% और 150%। ये ध्यान रखना कि 100 रुपये खर्च किए तो कृषि विस्तार योजना हेतु 150 रुपये की छूट मिलेगी और विशिष्ट व्यवसाय में 100 रुपये खर्च करने पर 100 रुपये की 100 रुपये खर्च करने पर 150 रुपये की। बाहरी संस्थाओं को अनुसंधान हेतु दान की कटौती मिलती है। विशेष प्रकार के दानों हेतु वास्तविक राशि की कटौती मिलेगी और भारित कटौती जो है वो 4 स्थितियां ध्यान से सुनना। पहली 2 स्थितियों में तो भारित कटौती नहीं मिलती है और तीसरी व चौथी स्थिति में कितनी मिलेगी 100 रुपये खर्च करने पर 150 रुपये मिलती है 150%। जो भारित कटौती की यहाँ पे बात हुई है भारित कटौती पहली 2 स्थितियों में तो नहीं
और बात की उसमें इस तरीके से मिलती है। तो पहली दो क्या, एक कंपनी जो भारत के वैज्ञानिक शोध एवं विकास कार्य हेतु पंजीकृत है तो उसको भारत कटौती नहीं मिलेगी। वैज्ञानिक शोध हेतु चाहे या व्यापार से संबंधित हो अथवा न हो, शोध संस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, सामाजिक विज्ञान और सांख्यिकी शोध हेतु करते हैं तो भारत कटौती नहीं मिलती। लेकिन शोध संस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय अन्य संस्था वैज्ञानिक शोध हेतु चाहे व्यापार से संबंधित हो अथवा नहीं तो 100 रुपये खर्च करने पर 150% की छूट मिलती है। और राष्ट्रीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय IITians जो हैं विशिष्ट व्यक्ति हैं अनुमोदित वैज्ञानिक शोध हेतु 150% जो है वह मिलती है। यदि शोध कार्य हेतु जो मैंने अभी फोर्थ बतलाया आपको अनुमोदित शोध हेतु की गई राशि भारत कटौती के 150% के बराबर मिलेगी। जैसे यदि 20,000 रुपये आपने खर्च की तो 20,000 अपने आप में 100 हैं तो 150 कितने होंगे यानी 30,000 रुपये, तो 20,000 खर्च करने पे कितने की छूट मिल रही है, 150 रुपये की छूट। अन्य स्वीकृत में एक्सपेंसेस फॉर पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्सपेंसेस और टेक्निकल नो हाउ, क्योंकि इन पे आपसे क्या है 98 के बाद 25% से वो लग जाता है डेप्रिसिएशन। और एक्सपेंसेस ऑन फैमिली वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय बाय कंपनी और निपुणता विकास परियोजना, तो यह केवल कंपनी को मिलती है और कंपनी हमारे अभी कोर्स में नहीं है। एक्सपेंसेस अलाउड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ CBDT, CBDT का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्स, प्रशिक्षु, दीपालियम मुहूर्त पर, तत्काल टेलीफोन योजना, टेलेक्स कमीशन, ट्यूबलाइट लगाने बदलने के व्यय, प्याऊ धर्मशाला आदि के लिए लगाई गई राशि, परिणामी हानि बीमा योजना का प्रीमियम, कमिटमेंट चार्जेस, विज्ञापन व्यय, एक्सपेंसेस ऑन फीचर फिल्म, चोरी या गबन से हानि, सभ्य नागरिक सुरक्षा व्यय। तो स्टूडेंट्स अब तक के मैंने आपको एक्सपेंसेस के पॉइंट्स ज़्यादा डिस्कस कर लिए अंडर सेक्शन 36। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है कि जो 30 से 36 में भी एक्सप्लेन नहीं है लेकिन फिर भी हमें उस एक्सपेंसेस की छूट लेनी है तो वो कवर होगा सेक्शन 37। इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन थ्योरी भी बनता है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट इस पॉइंट्स को। एक्सपेंडिचर अलाउड और डिसअलाउड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37। व्यवसाय के लिए स्वीकृत सभी व्ययों की कोई अंतिम सूची नहीं बनाई जा सकती, इसलिए धारा 37 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यय जो धारा 30 से 36 में वर्णित न हो और पूंजीगत प्रकृति का या निजी व्यय की प्रकृति का न हो और पूर्णतः एवं मुख्यतः सिर्फ व्यवसाय या पेशे के लिए ही गत वर्ष में किया गया हो तो वह व्यय व्यवसाय एवं पेशे से आय ज्ञात करने के लिए स्वीकृत व्यय होगा। सेक्शन 37 में कोई भी व्यय स्वीकृत होने की शर्त क्या होगी, ध्यान से सुनना, यह व्यय पूंजीगत प्रकृति का न हो, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, यह व्यय गत वर्ष में किया गया हो, एक्सपेंसेस मस्ट बी हेल्ड इन प्रीवियस ईयर, यह व्यय व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का नहीं होना चाहिए, यह व्यय पूर्णतः या मुख्यतः व्यापार या पेशे से संबंधित हो, यदि कोई व्यय धारा 30 से 36 में स्पष्टतः स्वीकृत हो तो उसकी छूट धारा 37 में न मिलकर संबंधित धाराओं में ही मिलेगी क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है। और यदि कोई व्यय जो है वह धारा 37 में स्पष्ट अस्वीकृत हो तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। अगर 37 में स्पष्ट अस्वीकृत है तो नहीं मिलेगी चाहे ऐसे व्यय से किसी भी व्यवसाय से लाभ मिला हो। बताओ एग्जांपल कैसे सुनना है स्टूडेंट, जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी के सोविनियर में यदि कोई विज्ञापन दिया जाता है तो ऐसे विज्ञापन व्ययों की छूट नहीं मिलती है सेक्शन 37 सब सेक्शन 2B के अंतर्गत। क्या बोल रहा है कि 37 में कि अगर आपको छूट अस्वीकृत कर दी है 37(2)(b) में तो नहीं मिलेगी। जैसे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के सोविनियर में यदि कोई एडवर्टाइज किया गया है तो इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की जो है वह छूट नहीं है। तो आपकी अपनी अपनी नोटबुक में इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट जो है वो प्रोविजंस दे रखे हैं, फिर उसके आधार पर व्यावसायिक हानियों एवं पूंजीगत व्ययों की कटौती, तो हानियों के प्रावधान तो अभी मैंने बता ही दिया लेकिन अस्वीकृत क्या कि काल्पनिक हानि की छूट नहीं, पूंजीगत प्रकृति की हानि की छूट नहीं, अस्पष्ट हानि की छूट नहीं, पूंजीगत व्यय
वन व्यवसाय को चालू करने के व्यय स्वीकृत हैं, मकान का मूल्यांकन कराने के व्यय स्वीकृत हैं, लेकिन अस्वीकृत क्या है? मुख्य रूप से भवन में खिड़की लगाने के व्यय, ट्यूबवेल लगाने के व्यय, मशीन खरीदने के लिए की गई यात्रा के व्यय और साझेदारी संलेख तैयार करने के पूंजीगत व्यय जो हैं ये क्या हैं? अस्वीकृत होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोगों का जो टूडेज असाइनमेंट है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली क्या है? अलाउड अंडर सेक्शन 37। क्योंकि अब स्टूडेंट्स में आप लोगों को स्पेशल एक्सपेंसेस अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस जो है वो करवा करके अब मैं इसके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स लूंगी ताकि आप अच्छे से जो है वो इसके प्रोविजंस समझ पाएंगे। थैंक